اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى وجميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالِقين مصباح المكربين محب الفقراء سقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله

अस्माऊ नबीकरीम सल अल्ला वसलम से एक इसम मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ सैद ना वसलम हमारे सरदार तमाम के मालिक दरुदोसम भेजे अल्लाह आप सल् व आपकी आल पाक और आपके साहबा कराम पर हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तन हो बयान फ़रमाते कि रसूल करीम सल्लाम के सामने एक आलिम और दूसरे आबिद का तस्करा किया गया तो आप सल्ला वसल्म ने इर्शाद पर आलिम की फजीलत बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी उम्मती पर नबी को फजीलत हासिल होती है इसके बाद आपली वसम ने इशाद फरमाया अल्लाह तरश्ते सभी आसमान और ज़मीन वाले के बिलों के अंदर मौजूद च्यूटियाँ और समंदर के अंदर रहती हुई मछलियाँ उस शख़्स के हक़ में दुआ खैर करती हैं जो कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाता है नाजिक नाम सदर निक्सन ने अपनी किताब सीज़ दी मोमेंट में जो अमरीकी सदर थे मशहूर उन्होंने कई किताबें लिखी तो उन्होंने अपनी इस किताब में सीज दी मोमेंट में लिखा कि एक ज़माना था कुरबा और गनाता से जो ूम के चश्मे थे वो बहते थे मशरक से और मगरब को सैराब करते थे जो गैर इस्लामी दुनिया थी उस सब को वो सैराब करते थे नाजिर ये वो दौर है जिसमें अल्लाह ताला ने ततबा और गनाताा और स्पेन में उंदलस में इतने इतने बड़े इल्मी शख्सियात रूहानी शख्सियात पैदा कि शैख अकबर मुहैदीन इब्र अरबी जैसे इतने बड़े अलिया वक्त पैदा किए और फिर नाज़िक राम उस ज़माने में एक शख्सियत इतनी बड़ी थी आसमान इल्म के जो आफ्ताब महताब थे वो भी उनकी तारीफ़ में रतबलनिसान थे बक वक्त वो जज भी थे बक वक्त वो मुहदस भी थे बक वक्त वो मर्रफ़ भी थे बक वक्त वो वली कामिल थी और बक वक्त मुजाह कमा, बामाल भी थे और नाजर के काम फिर शहीद अजम भी थे और इनका मकाम ये था कि इमाम ज़ाहबी राम ने लिखा है कि इनका एक भतीजा तो उसने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि रहमत आलमी सल्हस सोने के तख्त पर जन्नत में तशी फरमा है और आपके सात तख्त पर जो बैठी हुई शख्सियत है वो हमारे ममदू आज उनकी शख्सियत के हवाले से हम बात करेंगे नाजी का उन्होंने बहुत किताबें लिखीं जिनकी तफसील जो है वो आज मेरे इस्कॉलर बयान करेंगे मैं जानबूझ कर ये सारा सब्जेक्ट उनके लिए छोड़ रहा हूँ उनका मकाम ये था कि उनकी एक किताब जिसके बारे में अमामा ख़िफाजी ने लिखा कि ये किताब जिस घर में हो वहाँ पे जादू का असर नहीं होता और इस किताब को पढ़ने से आदमी को ज़हनी और बदनी बीमारियों से शिफा मिलती है और नाज़िक राम रोज़ में अपनी किताब शिफा का भी जिक्र करता हूँ लेकिन पहली किताब शिफा जिस शख्स ने लिखी उसका नाम था हज़रतज़ी अयास माल की रमतल नाजी राम ये वो हस्ती है जिन्होंने बाकी किताबें तो छोड़े सिर्फ़ एक किताब किताबा बातारीफ़ हकूकुल मुतफ़ा सल्स ये किताब एक एक, एक, एक इसका लफ्स एक एक हर्फ एक एक शोशा और नुक़ँ जो है उससे इश्के रसूल सली वसम की ताबानियाँ निकलती हैं और नाज करम जब आदमी पढ़ता है तो क़लबन जो है वो महबूब मुफ़ा सली वल का ग़ुलाम बन जाता है यूं लगता है कि बब जबरील के बाहर आदमी जा के बैठ गया है इस किताब का मताला ज़रूर करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए किताब शिफा जो है इसका एक एक फ़िक्र पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाह के पाक कैसे थे नाजिका सिर्फ़ एक आदमी ने उनदरस में ये कहा था बहस करते हुए कि वो अली के सर की बात कर रहे हैं वो जो बकरियाँ चराने वाले थे उसी वक्त फ़तवा जारी कर दिया कि ये शख्स वाजुल कत्ल है इसलिए अल्लाह के महबूब महबूब्ला वसम का नाम किस अंदाज़ से लिया है नाजिक राम अल्लाह के फजल करम से ये उम्म जिंदा है आपने देखा ख़त्म नबूत के बारे में वो जो एक ऑर्डीनन्स जारी हुआ था ये जो बिल पेश हुआ था उस पर किस तरह पाकिस्तानी कौम इसके गैरतमंद गैरतमंद माओ का पाक बाज़ माओं का दूध पिया हुआ कैसे निकले थे चौबीस घंटे के अंदर हकूमत को वो वापस लेना पड़ा ये हमारे जज्बों को टेस्ट किया जाता है नाजरी इकराम आज जिस हस्ती पाक का हम जिक्र कर रहे हैं हक़ की खातर उन्होंने अपनी फिर आखिर में जान भी दे दी लेकिन हकूमत वक्त जो थी वो कहते थे बादशाह वक्त को खलीफा को मासूम मान लो उनका मासूम नहीं मैं मान सकता इसको ये आम इंसान है इनकी क्या हसीियत है नाज़िर कराम ये वो लोग थे मैं जब काजी अयाज राम लेकर पढ़ रहा था तो आखिरी वक्त जब उनको उन्होंने शहीद किया फांसी देने लगे तो फांसी से पहले उन्होंने नेज़ों से अन्यों से उनको ज़ख्मी किया था और इतने उनको पे तशद कर रहे थे तो उन्होंने जो जवाबन कहा मेरे जहन में आज ही आया कि चार दीवार हाँ उन्होंने आखिरी जो कत्ल करने लगे तो वो जो आदमी उस दौर का वहाँ पर हाकिम था लोकल वो आके वहाँ पहुँचा और कह लगा अब भी वक्त है तुम मान जाओ अपनी बात से हट जाओ हमारी बात को मान लो उन्होंने कहा नहीं चार दीवार जिंदा से डराने वालों तुमने मैदान वफ़ा में हमें देखा ही नहीं और काबा की कसम जिंदा जावेद है हम मौत से डरना हमने कभी सीखा ही नहीं रसूल अलैहि वसल्लम पे ये उम्मत जो है ये कुर्बान हो जाती है इस पे भी आज बात करेंगे कि हमारी फ़ौज के जो सिपा सलार हैं और हमारी फ़ौज के जरनेल हमारे लिए काबिल फ़्र हैं कल जो कुछ हुआ उसके बारे में बात बाद में करेंगे आज हज़रत काजी अयास माल की राम की इल उनकी रिफतें उनकी अजमतें वो कितने बड़े वली अल्लाह थे उनकी करामतें क्या थी उन्होंने किस दौर में हक़ हाँ का आवाज़ बुलंद की हक़ हाँ का परचम किस तरह बुलंद किया उनकी शहादत किन हालात में हुई ये हमारी वो हस्तियाँ हैं जिनका आज की नस्ल को तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है आज की माओ बहनों बेटियों बेटों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए इसलिए अल्लाह ने हमें यह तोफ़ी दी है नाइन्टी टू चैनल आपको अपने बुज़ुर्गों से मिलवाता है और जब इनकी गुफ्तु होती है तो आपको ऐसे लगेगा आज इन जब मेरे स्कॉलर बात करेंगे कि काजी साहब यही चल फिर रहे हैं दाता साहब के मज़ार के इर्द गिर्द आपको नज़र आ जाएंगे मेरे साथ आज शरीक गुफ्तुए हैं जनाब पक्के ठक्के सूफ़ी मुनीर अहमद यूसफी दर्जनों किताबों के आप मुसन्फ़ हैं और उनके साथ नौजवान स्कॉलर ये भी बड़ी कमाल की किताबें इसने लिखी हैं अल्लाह करे काजी अयास के सदके ये इस दौर का काजी यास बन जा मेरी मुराद ला। लामा मोहम्मद अहमद बरकाती और उनके साथ सूफी पक्का बााहिर प्रोफेसर कॉलेज का पी एच डी इस्कॉलर नौजवान डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़हर आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज तीनों सूफ़ी हैं बहुत बसमिल्ला जी बसमिल्लाद वसल लाख लाख शक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारों के जिक्र के लिए मौका दिया है और ये नाइन टू चैनल का एजाज है कि यहाँ के सुनने वालों के दिल नूर से मनवर हो जाते हैं। और ये जो हस्ती है ये कमाल इनका नाम अयास बिन मूसा बिन अयासान और इतने ये आलिम थे कि इलम नाज करता था मुहदस भी हैं मुफक् भी हैं और इलम इन पर ऐसी शॉयन से निकलती थी रिफ्लैक्शन होती थी कि इनके पास बैठने वाले भी आलिम बन जाते थे लातदाद इनके उत्ताद हैं और लातदाद इनके आगे शगिरद हैं। और अल्लाह शान है ऐसे लोगों को कई लोगों के बारे में आता है कि पहले पैदा कहीं होते हैं जाते कहीं हैं काम कहीं करते हैं इनकी ज़िंदगी भी ऐसी है अबाजदाद उन्दलस में थे फिर उफास में आए फिर सप्ताह में आए ये सप्ताह पैदा वहीं जवान हुए और बीस साल की उम्र में इनके उसद इनको हदीस बयान करने की इजात फरमाई और जिस शहर में जाते थे काजी हो जाते थे स में काजी कुर्तवा में काजी सप्ता में काजी हाँ। यानी तो इन तमाम और गरनाता में भी काजी रहे और गरनाता वो शहर है जहाँ एक शख्स ने दावा किया था नबूवत का तो उसके बाद से ने उसको सूली पर लटका दिया था और के तुने दावे नबूवत क्यों किया है और फिर उसकी गोश्त को चीलें खाती थी और गल गल के नीचे गिरता था इबरत का निशान बना दिया कुछ नबूत का दावा करे उसको सूली पर लटकाया जाना चाहिए क्योंकि ये नबी नबी वसम की खद में उन पर डाक से नहीं है अल्लाह ताला की शान देखें कि हालांकि ये काजी नहीं है नाम इनका काजी नहीं है लेकिन पैंतीस साल कज़ा के अहदे में रहे इनका नाम में काजी भी शामिल हो गया <स्वाल> इतनी शान वाले बुजुर्ग हैं साहब वो वाक इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि एक जो गुस्ताफ़े रसूल था उसको सजाए मौत हो गई जब फांसी में उसको चढ़ाया तो जब उसका चेहरा करते थे काबा की तरफ तो फिर जाता था उधर चेहरा नहीं होता था और जब उसको नीचे उतारा तो उसके जिसम से खून जारी हो गया और कुत्ते आके चाटने लग गए तो वहाँ लिखते हैं कि एक मुहदस खड़े थे उन्होंने हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही उम्मती हो जो कलमा को मुसलमान हो कुत्ता उसका खून नहीं खा सकता कुत्ता उसका खून नहीं चाटता यानी इससे मुराद यह है कि बाज़ा मुसलमान हो अपने आप को कलमा को कहता और रसुल्ला का गुस्ताख हो तो कुत्ते उसका खून चाटेंगे बसमिल्लर रही जिस शख्सियत के केजूर आज हम नजराना याक़ीदत पेश कर रहे हैं वो शख्सियत उनका अगर हर जहत से हम मुताल करें तो हर जगह पर हमें वो मुनफरद और मुमताज़ नज़र आते हैं आप बक वक्त अजीम हाफिज भी थे खुश इल्हानकारी भी थे बहुत बड़े अज़ीम मुहदस भी थे मुफसर भी थे अच्छा आप बैक वक्त फ़न मुनाजरा के इमाम भी थे हाँ, बल्कि तीस साल की उम्र में आपने बाकायदा फन के जो इमाम थे उनके साथ मुनाजरे शुरू कर दिए थे तो इतनी इब्तायी उम्र में ही आपको अल्लाह तला ने यह रुतबा दिया था और आपका जो बुनियादी वसफ़ हमें हर जगह पे नज़र आता है वो वही है जो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की लाजवाल लाजौल और आपने हज़ूर सल वस की ज़ात से इश्क किया तो अल्लाह ताला ने भी उसका एक सिला फ़रमाया हाँ। और वो ये है कि उनके नाम के साथ लफ्ज़ काजी जो बाकायदा मुस्तम होता है हाँ। कि अगर सिर्फ़ याज बोलें तो फिर ये नहीं मुराद होते कोई और समझा जाता है लेकिन काजी का लफ्ज़ बोलें तो यही होते हैं और काजी का बुनियादी वस्फ़ ये अल्लाह ताला के इसमास्सना में से है अच्छा काज़ी अल्लाह तस्मासना में से वदार बुक तबू ये अल्लाह तहाँ पर अपने लिए व़फ़ इख्तियार किया है तो जो लोग बात बात पे कहते हैं कि जो अल्लाह का नाम हो वो किसी और का तो वो शिरक बनता है तो इनका नाम ही अल्लाह ताला ने शिरक तोड़ बना दिया आ, वो कहते हैं कि काला काजी जहाँ आएगा हाँ जी वहां किताब में उससे मुराद ही। उससे मुराद मुरादी हालांकि कोई और भी हो सकता हाँ। है कमाल और इस चीज को आप देखें कि इन्होंने जिंदगी भर जो है अपना हिरजे जहा बनाया जिस किताब की तरफ आपने इशारा फरमाया है उस किताब के अंदर जो कुछ आपने लिख दिया आपके बाद से लेकर अब तक लिखने वाले उसी वो कहीं ना कहीं जब भी बात करेंगे इनका रेफरेंस जरूर घोड़ कर बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये और ये अल्लाह ताला की इनके ऊपर ख़ुसूसी रहमत है आप देखिए माजी करीब में अगर हम देखते हैं अला हजरत बरकत का फतावर रिजविया इनके नाम के साथ भरा पड़ा है। अगर हम हैं। देखते हैं पाकिस्तान अब्दुल में हाँ जी। जी। जी अगर जी हम सोड़? देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो कवानीन बने हैं तो इन्हें रिसालत के हवाले से हाँ। तो उसमें भी जगह जगह पर इनका नाम नजर आता अच्छा है अच्छा जी अपना प्रोफेसर डॉक्टर साहब ये देखिए डॉक्टर नवीद के फतुल इमाम बदरुद्दीन ऐनी हों होंबन हजर असकलानी हों जितने भी लोग बड़े बड़े हमारे आए सब ने इनका जिक्र जरूर किया इमाम नबी तक ने जी हाँ वो खुद कितने बड़े लोग थे जी हाँ और वो काजी साहब की तारीफ कर रही थी। ये बहुत कम लोगों को फजीलत हासिल होती है कि अपने ज़माने में ही इतने मुतारफ़ हो जाएँ कि दुनिया उनका लोहा माने इमाम ज़ाहबी रहम फरमाते हैं कि अपने शहर में आप इतने बुलंद मरतबा और इतनी अजमत के मालिक थे कि उनसे पहले भी और उनके बाद भी किसी को ये मुकाम नहीं मिला नहीं। तो आपका जो सन विलादत है उसके बारे में दो रिवायात हैं एक तो यह है कि चार सौ छिहत्तर हिजरी में पैदा हुए और एक यह है कि चार सौ छियालीस हिजरी में पैदा हुए वस्ते शाबान में और यह सबता में पैदा हुए जो साहिल समुंदर पर यूरोप का एक मशहूर शहर है और वहाँ उलमा और फज़ला और मशाइ से उन्होंने एक तसब इलम किया इकतसाब रूहानियत किया और फिर आपदलुस् तशरीफ़ ले आए अंदलुस् के बहुत बड़े मशाइ और जो थे उनसे आपने मौजूदा स्पेन जी हाँ मौजूदा स्पेन और कुरतबा जिसकी एक तहजीब है एक तमदन है और एक पस मंजर है मस्जिद कुर्तबा ए हरम से तेरा वजूद इश्क सरापा दवाम, और जिसमें नहीं रफ्तो बूद, रंग हो या खिश्तो संग चंग हो या हरफो सौत मो फ़न की है खून जिगर से नमूद इकबाल जब वहाँ हाजिर हुए तो उस वक्त भी एक ऐसा शहर उन पर तारी हो गया कि कुर्तबा का और स्पेन का जो पुरशको माजी था वो उनकी आंखों के सामने कतार दरकदार वाक़ जो थे

वो जो तारिक बिन ज़ियाद का सपेन वो जो आप समझेंद्दीन शेख अकबर का और तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आलम और फाजिल मौजूद थे सही। और इबन रुश्त जैसे फलसफी हाँ। अरस्तु तबियात और माबाद, तबियात और फलकियत के माहिर, हाँ। और जिन्होंने उस जमाने में फ़लसफे की इंतहाओं को छुआ और आज तक उनकी जो फिक पर किताब है बिदायतमुष्त वो हर आलिम के मुताले में रहती है तो उनसे आपने इल्म हासिल किया उसके बाद इबन हाज़ जैसे जलील कदर आलम और सूफ़ी बुज़ुर्गों के सामने तलमुस्त किया आपके इसकी फहरिस्त तो तवील है ना लेकिन ये दो ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि जो बिलाद मशरक़ में भी जाने जाते हैं इब्न अहाज की किताब अल्मख़ल जो है वो बड़ी मरूफ किताब है और उनका एक इश्क रसूल का वाक़ा आप हैरान होंगे कि मस्जिद नबी में उम्र की अदाई के लिए तशरीफ़ ले गए तो बारगाह रिसालत में हाजिर थे साथियों ने कहा कि अब दीगर ज्यारात के लिए भी चलते हैं क्योंकि आए हुए हैं मदीना तैयबा में तो दीगर जियारत भी करते हैं तो इबन अ हाज रतल जो आपके उस्ताद हैं फरमाने लगे कि हज़ूर की बारगाह में मैं पहली मरतबा आया हूँ इस बारगाह को छोड़ कर किसी और जगह जाना ज़्यारत के लिए मैं बेदबी समझता हूँ आप लोग पहले आ चुके हैं यहाँ आप लोग जीारात के लिए जाएँ मैं हज़ूर के कदमों में ही बैठा रहूँगा इन बुज़ुर्गों से जब उन्होंने इकतस इलम किया तो इश्के रसूल किस तरह उनके खमीर तो, में शोला जन हुआ वो तो रगों में सांसों में मौजन हो गया उतर गया और ना ना। एक एक, एक उज में और एक, एक बुने मुँह से जारी हुआ अच्छा और अच्छा फिर कि किताब शफा उनसे मार में आई किताब शफा की शरें लिखी गई उमदातुल्कारी का मुसनफ़ जो है वो अगर तारीफ़ कर रहा हो और वो जो है नसीम व रियाज का मुसनफ़ब तारीफ़ कर रहा हो वो अपनी जगह आफ्ताब और महताब इल्म के ये कितने बड़े आलिम होंगे दाला जले मन वाल की ये आज़बत व शान है कि वो बंदों के जरिए अपनी मोहब्बतें जाहिर करता है शान ज़ाहिर करता है अब ये देखें कसियो तसानी भी हैं और ये मुआरे में आप और मैं देखें जिसको थोड़ा सा जाए वो फ़िरन बन जाता है दौलत भी आ, भी आ जाए लेकिन अल्लाह की इन पर ख़ासनायत के तवाजो इंकसारी सबल बुरदबारी सब्र इसकात सखावत फयाजी अच्छा तमाम इनके तो खूबियाँ मौजूद थी और जब अदालत की कुर्सी पर बैठते थे तो बंदे नहीं देखते थे इंसाफ करते थे बादशाह हाँ। बक के खिलाफ वजीरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और ये इनका अच्छा एक बात है उन बादशाहों ने गाली नहीं दी वज़ी ने गाली उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है अदालत का फ़ैसला नहीं मानते हम आवाम का फ़ैसला उन्होंने फैसले माने का नहीं ये बातें वो करते हैं जिनको मुल्क से मोहब्बत ना हो ठीक क्योंकि ये स्टेट के ये इधारे स्टेट के हैं और स्टेट के अदारों का एहतराम करना हर शख्स पर लाजम है अगर अदारों में एहतराम नहीं करेंगे तो कलैश पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचे खलीफतम अली उलमरत शेर खुदाजी काजी, की अदालत में पेश होते हैं जाके मुकदमा का फैसला खिलाफ होता है बल्कि जब उमर फरूक गए तो काजी सब खड़े हो गए तो नासाफ़ ही आज में अमीर मोमिनी की शान से नहीं आया आज फरीक हूँ इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो जब हुक्मरान सही होंगे तो बाकी सारे सही होंगे इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा चीज ऐसा ऐसा मुकाम नहीं किया जिस पर उंगली रख सकें ये अल्लाह की नायत थी अल्लाह ने इनको महफूज रखा हुआ था ये जो आपने फरमाया न कि वह उन्होंने फरमाया कि कोई मासूम नहीं है लेकिन ये महफूज थे वाह सच्ची बात है कि नबीम के मा, मासूम नहीं है लेकिन मैं एक सदमे की बात करता हूँ वो ये है कि आज लोगों ने मशाए को पीरों को मासूम कहना शुरू कर दिया वसलम की बात को शानवीसी और उनको वली देते हैं इसका नुकसान ये हो रहा है कि लोगों की मोहब्बतें कम हो रही हैं वो जो रोज़ मैं नारा लगाता हूँ हमारी गैर मसूद मोहब्बत और लादूद ला वफ़ादारी सिर्फ और सिर्फ सरकार जब तक ये तो जब तक हर हर दिल के अंदर ये बात नहीं जाएगी ये मामला ठीक नहीं होगा हजूर सलील वसम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त अंदाज में कुरान पाक में बयान फरमाई है तमाम मोहब्बत बाद में हैं अल्लाह तरह कुल इन काना आबाओकुम व अबनाओकुम व खुआ वजवाजू वीरत कूँ व अमवाल निकता व तकन कसाहा व मसागुल तरद अहब्बा रसूल रही अगर ये आठ मोहब्बतें माँ बाप की औलाद की बहन भाइयों की बी बच्चों की बरादरी की माल की दुकान की कारोबार की मोहब्बतें ज्यादा हैं तो अल्लाह तफरबा सूह या तिल रही इंतज़ार को मेरा फिर अज़ाब आया चाहता है और आज हमने क्या किया है अकसन की मोहब्बत को शानवीसी इन तमाम को कोवली दे दी है इस वजह से दुनिया जलील हो रही है लीडरों से इस... मोहब्बत शुरू कर दी बिल्कुल अपने पीरों से अपने आलिमों से हमारे आलम ने कह दिया चाहे वो खत्म नूत के खिलाफ वो बैठा हुआ है अपना ज़मीर बेच के तो हमने कहा नहीं नहीं हमने उसको जस्टिफाई करना है भाई कहो ये गलत है, गलत है। और जो मुशाइ तरजीह देते हैं नबी सर वो सही है वो सही है इसलिए कि सही सही होता है इसलिए तो हम नमाज में उन मुशाह का जिक्र करते हैं सरात उन पर जिन पर तूने नाम की अम्बिया सिद्दीक शहदा और सालीन ये जो इस कैलबर के लोग हैं इनके अंदर न सूरज परस्ती है ना चांद परस्ती है ना जर परस्ती है जर पर तो सच्ची बात कर ही नहीं सकता ये काजी अयाज माल की जर रहम पर आप देख रहे हैं ये एक आशके रसूल की बातें हैं वो लोग थे इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर हर बात हर हर अदा से छलकता था नाज़ी कराम इन लोगों का जब आदमी जिक्र करता है तो अल्लाह याद आ जाता है फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी नसीब होती है वेलकम बैक एक राम अजीमत का रास्ता इख्तियार किया हज़रतज़ी अयाज राम साहिब किताबा और क्या लोग थे जी हवा के रुख पे जलाए हैं अहल हक ने चराग और हवस परस्तों ने लेकिन हवा का साथ दिया जो अहल हक होते हैं वो तो हवा के सामने डट के खड़े हो जाते तूफ़ानों तो का रुख मोड़ देते हैं नाज है तुझको के बदला है ज़माने ने तुझे मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं जी जमाने को बदल देते हैं काजी यह याद रहा तप अगर हम जो है वो शख्सियत का मताल करें तो आज हमें उनकी शख्सियत किताबों में नज़र आती है और आपका ये कमाल है कि आपने जो किताब शिफा तहरीर फरमाई वो दो जल्दों में है और उसकी शीन में नहीं नहीं जल्द दो, दो हैं इससे तीन है। तो उसके अंदर जो है वो चार आपने अब आप जो है वो बुनियादी तौर पर कायम किए तो उसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो तकरीबन पचास के करीब उसकी शुरुआत लिखी जा चुकी है और उसमें ये नहीं कि दो दो चंद चंद आपके एक एक, एक लफ्ज पे इमाम खेफा जी ने नसीम और में बास की है यानी एक लाइन अगर जो लिखी है काजी साहब ने उसपे उन्होंने पांच पांच सफ़े भर दिए इतना इनके अल्फाज के अंदर बहरे कोजुम जो है वो समाया हुआ नजर आया इसी तरह मुलाली कारी रहम्ला उन्होंने भी जखीम जल्दों में इसकी जो है वो शरा तहरीर फरमाई है अब उसके अंदर है क्या <coughs> इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें किताब की इब्तदा से इतिहा तक हजूर वसल्लम तो की मोहब्बत के ही जलवे नजर आते हैं आप हाँ जी। नागी। नागी। और आपने ऐसी ऐसी रवायात नादर वजूद वहाँ पर जो है वो बयान फरमाई है आप ये देखें कुरान पाक में खबरदार अल्लाह ताला के जिक्र के साथ दिलों को सुकून है अब आपने इस पे बात फरमाई आपने फरमाया वो जिक्र है क्या जब हम लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं ये तो जिक्र है अल्लाह का तो फिर आगे कौन सी बात है जिसके साथ सुकून आएगा तो आपने वहां पर रिजात फरमाया मुरादूर का जिक्र करना अब्दुल्ला बिन के शागिद रशीद इमाम मुजाहिद से आपने रिवायत अदा फरमाई इसी तरह आपने फरमाया खुद अल्लाह ने इर्शाद फरमादी से कुछ सी बयान फरमाई कि अल्लाह तरशाद फरमाता है प्यारे महबूब जाल तो का बिन ज़िक हमने आपको अपने जिक्र से बनाया फमन जाकारा का जाकारा नहीं जो आपको याद करता है असल में तो वो मुझे याद करता है तो इस तरह का आपने वहाँ पर जो है वो मेयार कायम फरमाया है इसी तरह अगर हम मज़द करते हैं आपकी किताब मशारकुल अनवार उसमें आपने खसूसियत से जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम इसके ऊपर बहुत काम किया है जो लोग मोहतरजीन थे कि इनके अल्फाज के ऊपर बास करनी है इसके अंदर जो लोग एतराजात पैदा करते थे तो उनके आपने इसमें जवाब जो हैं वो अदा फरमाए हैं और कसरत के साथ आपने में अच्छा ये जो कहा जाता है, कि पे जादू हो है उस पर हाँ जी तो इसकी तद्दीत फरमाई है मुदाफ़ी में ये सबसे हाँ, आगे हाँ, नुमाया हाँ, नजर आते हैं हाँ, ना फिर आप ये देखेंगे हजूर सल अल्लाह वम का यही बात जिसको बहुत से लोग बाद में मौजूक कहने लगे तो बग़ैर संद के लेकिन आपने वहाँ पर ये बात खुद इर्शाद फरमाई कि हम लोग बात कर लेते हैं अपने अपने इसका एक मुकाम है हम उनको गलत नहीं कहते लेकिन जिनका मुकाम हो तो अल्लाह बात करते हैं इमाम मालिक का आपने कौल जो है वो बयान फरमाया कि इमाम मालिक जो है वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि हम ये कहें कि जुर्नः क़ब्र नबी सल्लम कि हमने हजूर सल्लम की कब्र की ज्यारत की इमाम मालिक इसको पसंद नहीं फरमाते थे अब आगे इमाम काजिया याज रमत ने इस पर जो है वो अपना नुक़ः नजर अता फ़रमाया हैं ये ना कहा करो कि हमने हजूर की जियारत की ये बात मकर नापसंद है हाँ ये कहा करो, आपका इश्क देखे आहा, आहा, किस खतरा आपने आसानी के साथ लोगों के दिलों में इसको पेश कर दिया है और जगह दे दी आशिक तो आज भी यही समझते जिनको मैं तो यही समझता हूँ बारका में जा रहे जा रहे मैं कभी नहीं कहता रसूल साहब पे जा रहे उस बार का है पाक बल्कि गुसाही बाब ये एक हदीस में लफ्ज है मजारक कबरी फक ज़ारा नहीं अच्छा जिसे मेरी लग... कव, उसे मेरी زیارت की मेरी زیارت की जी मुआहदीन जो थे उस दौर के उससे अंदाजा होता है जी हर दौर में ऐसे जो हर दौर में खबीस लोग मैं कहूंगा वो रहे हैं जो अहले ईमान का इम्तिहान लेते हैं तो उन और समझते हम आक में हैं जी हाँ नफ़्स के, के, हैं हैं के गुलाम होते हैं तो अपने नफ्स को अपना मबूद बनाते हैं तो फिर जो नफ़्स कहता है उसी को दुरुस्त समझते हैं तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी किताबों का जिक्र चल रहा है तो इयाज़ मालिकी रहा का इल्मी मकाम व मर्तबा ज़रा वाजें करते हैं तो कशफ जुनून में आपके किताबों की फहरिस्त दी गई है बीस से ज़्यादा आपने किताबें लिखी हैं सबसे बड़ी किताब शिफा बेतारीफ़ूक़तफ़ा रसूल सल्म के उम्मत मुस्लिमा पर हकूक़ क्या हैं उनका आपने उसमें बयान किया है और उसके बारे में बारगहाह रिसालत में जो उस किताब की मकबूलियत साबित हुई वो आपने जिक्र किया मुख्तसरन खाब में आपके भतीजे ने देखा जी, जी तख्त पर तीफ है तो उन्होंने समझा ये मकाम उस किताब की वजह से मिला है किताब की तो और भी भी थी। कहा, आपने कहा अपने भतीजे को हाँ। ये जो मकाम मिला है बेटा इस किताब को अपने मुताब में रखना है जो आदमी सिद्ध के दिल से किताब पढ़े जी हाँ आज भी उसके अंदर वो जज्बा पे ये बिश्ण? उन्हीं की देन है ये जो हम रिसालत की बात करते हैं जरूरत के साथ हर जगह सारी जिंदगी रोज जो ये नारा लगता है गैर मशहूद मोहब्बत और लामादू वफादारी वो तो उसी से हमने इसमें इसमें साहब जो बात है ना कि बाद लोग लोगों का इसमें ज़यीफ़ और मज़रि आयात है जी और हजूर सल्लम के साथ सोने के तख्त पर बैठना और आपको कुर पाना इस बात की दलील है कि हजूर पाक को ये किताब पसंद है बहुत पसंद बहुत है पसंद। वो इतनी पसंद है कि तो की बीमारी खत्म हो जाती है हाँ। और ये जो आपने वो जिक्र किया का हाँ। ये एक आदमी था मोहम्मद मरत हाँ। ये इमाम गजाली का शिकेर था बड़ा लायक था और बड़ा जीर का आदमी था तो पाँच सौ पंद्रह में इसने वो जब इमाम गजाली फारक किया ना अब्दुल मोमिन एक शख्स था उसका यह उसके साथ अटैच हो गया चेला बन गया और फिर इसने मेहदीत का ऐलान कर दिया कि मैं मेहदी हूँ और फिर इस हुआ है सौ बीस तक इनकी की, हाँ। इन की बहबू तो को देखा अच्छा होता है, है अपना आप गौर करें जरा डॉक्टर साहब नाम मुहिदीन का लेते हैं आज भी देख रहे हैं जो टेररिस्ट है नाम दीन का ले रहे होते हैं बंदों को मासूमों को मार भी देखे जो वाक्य हुआ एक मेजार पे जाके

उनके हुक्मरान बनने का क्या फ़ायदा है फिर तो जंगल का कानून हुआ बिल्कुल अच्छा जी अब आगे किताबो शिफा के चार हिस्से हैं जी और एक मशहूर कौल है ना हजरत इमाम मालिक का आप फिकी एबार से हैं है। है। और हजरत इमाम मालिक का कौल है ना कि अगर गुस्ताख ने जिंदा रहना है तो उम्मत को मर जाना चाहिए तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी किताब उस कौल की तशरी है तो ये बात गलत नहीं बहुत अल्लाह बहुत आला सारी किताब उसके कौल की तशरी है वाह वाह इसके चार हिस्से हैं पहले हिस्से में आपने रसूल हुस्ने सूरत और हुस्ने सीरत को बयान किया है ताकि दिलों का कोड़ खत्म हो दिलों की बीमारी ताउन तो जाहरी बीमारी है ना असल बीमारी तो होने की, की, ता, की, गुस्ता, गुस्ता, की, की जो बीमारी है उसका इलाज पहले दूसरे चैप्टर में बताया कि हजूरे पाक पर उम्मत के हकूक क्या है ईमान लाना एता दरुदो सलाम पढ़ना आपको दिल से मानना तीसरे चैप्टर में रसुल्ला सल्ला वसलम की बेमिस बशरीत का दिफा किया गया है वा, 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 देखने में तो आप बशर हैं लेकिन लेकिन कुरान कहीं उनकी बशरीत को जिक्र नहीं करता कहीं बादशर रसूल कहता है कहीं बादशर नबीया कहता है कि वो बशर तो हैं लेकिन मेरे और आप जैसे बशर नहीं हैं एक तो आदम आदमस्म बशर थे कि जब रूप फूंकी तो मलाइका जो नूर हैं उनको सईदा करना पड़ा तो एक जो इमाम बशर हैं कि जहाँ जबरील के पर जलते हैं वहाँ आपकी परवाज है और चौथा चैप्टर जो है वो आपने पूरा चैप्टर गुस्ताख रसूल के अहकाम पर लिखा है ठीक कॉलर है मेरे साथ जी असला कौन साहब जी जी वालेकुम मोहम्मद अब्दुल्ला जेलम से बोल रहा हूँ जनाब जी जी जनाब जनाब जेहलम तो सूफिया का शहर है जी इन जी आपका ये प्रोग्राम सुन के मुझे बहुत ही खुशी है और जज्बा नामोशे रसालत के लिए आपने जो रूह हमारे अंदर फूक दी है ना वो अल्लाह तला आपको ज़ाया था, था, था फरमाए और जेल में हमने आज भी एक रैली का इंतजाम कर रखा है ये सलाम की नामूस के लिए लोग निकल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और जनाब जो लोग दावत देने के बावजूद नहीं निकलते मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो सदका नबी पाक खाते हैं, हाँ। की ही हमें मैं, भी मिला मैं, है मैं समझ तो गया तो मताय दीनो दानिश लुट गयी इकबाल कहते है ना मताय दीनो दानिश लुट गयी अल्लाह वालों की ये किस काफिर अदा का गमजा खु रेज है साखी वो जब बेटा माल मिलता है ना हराम का बाहर से एन जी का जो पैसा आता है जब हुक्मरानों के दस्तरखान पे बैठ के चिकने चावल खा लेते हैं तो फिर कोई मशाइ हो जुब्बा दस्तार वाले आलिम हों फिर हक़ की आवाज़ नहीं ना निकलती मैंने इसलिए कहा था ना वो इफ्तार आज भी कहा था कि हव से लुकमय तर खा गई लहजे का जलाल अब किसी हर्फ को नहीं हरमत मिलने वाली जी अलामा साहब बिशम अच्छा नेक्स्ट कॉलर भी दे रहे जी अलैक् वाईक सर राजा साहब मैं चकवाल से मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ जी बिमिल तो, चकवाल हमारे दोस्तों का जी, शहर है आजी, तो ये कुछ दिन पहले जो अभी खत्म नबूत थी उन्होंने शिक की थी तो उस पर मैंने कुछ अशार लिखे हैं गुस्ता रसूल के लिए एक शेर कुछ सुना सकते हैं वक्त जी बिल्कुल मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं करूंगा जल्दी जल्दी ये सदा है मेरे जमीर की नवाज ये सदा है मेरे जमीर की नवाज नहीं है तू उमती मुहम्मद का आग बुझेगी मेरे दिल की उस खून से जो हामी है गुस्ताखे मोहम्मद का बहुत शुक्रिया जी नेक्स्ट कॉलर असल वालेकुम जी कौन साहिम कुरैशी लाहौर से। जी कुरैशी साहब फरमाइए सवाल मैं सिलसिला नक्शबंदी से हूँ बुलहार शरीफ कोटली आजाद कश्मीर से मेरा है। मैंने ये काजी अयाज साहब के सिलसिला पाक हजूर पाक आया और काजी पाक फैसगा चल रहा है उसके बारे में ये कुछ बयान फरमाए जी ठीक है जी ठीक है अभी बात कर देते है वो गुलार वाले हमारे बड़ा ताल्लुका है जी उनसे आजीब हिब्रमान सबक आई जी का मुर्शद खाना है हमारे बड़े दोस्त वहां बैठ है जी ये जो किताब शफा का जिक्र हो रहा है इसमें जो मुख्तलि पार्टस हैं हिस्से हैं है, उसकी तरतीब कमाल है अल्लाह किताब में सूरत की आठ नॉनबरायत में आता है आपने इसी को लिया है अच्छा मान लाओ फिर तजीम तकी को फिर नमाजें पढ़ो वक़् जब तक तज़ीम तोकीर नहीं कलबे कल दिल के अंदर आ, तो नमाज ने क्या नूर देना है आ, नमाज का नूर भी तब आएगा जब दिल तजीम तोक़ीर होगी और पूरी तरह ही इंसानियतम पढ़ के देख लें शौक छा त... अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क्याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी बेशक और जब तक तज़ीम मुस्तफ़ा सल वसम का गलबा रहा है और पूरी उम्मत में इसका जहाँ जाते थे कामयाब हो जाते थे और जब दुश्मनों ने इस चीज़ को कम करना शुरू किया नुकसान होना शुरू हो गया साहबा के नाम तो इतनी तज़ीम करते थे आपको लाब्देन शरीफ ज़मीन पर नहीं गिरने देते वजू शिव के अज़ाय मुबारक के जो कतरा थे वो टपकने देते थे और इमाम बुखारी साहब रिने इस वाक़े को नकल कर फरमाया है फरमाए थे जब सहलस ने देखा कि मुसलमान तो अपने प्यारे नबी वसलम के वज़ू के पानी को ज़मीन पर नगरने देते उसे मक्काशी में आकर कहा कि उनसे ना करना जो उनके वज़ू शिव के पानी कतरात को ज़मीन पर नहीं टपकने देते वो खून टपकने देंगे और साथ इमाम बुखारी फरमाते हैं कि आपने पूछा साबक करम कौन तुम्हें कहता है कि मेरे वज़ू के पानी को ज़मीन पर न गिरने दो और इसके हज़ुर आपकी मोहब्बत कहती है आपकी मोहब्बत कहती है आज के सवाल का वक्त हो गया नाजरे कलम हम हर रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब दें उनको किसान आयल की जानब से गिफ्ट पेश किया जाता है आज का सवाल काज़ी यास माल की रहम्ला की शर आफ़ाक़ किताब का क्या नाम है उस किताब के तस्करे हो रहे हैं अब मुकाबला है कि कौन जल्दी जवाब भेज देता है सूरतुलफात को किताब क्यों कहा जाता है दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब हज़रा के नाम हैं सूरतलफ़ात को किताब कहा जाता है ये जवाब था जो कल सवाल पूछा था हमने कल सवाल आपसे इसके जवाब दिए बाबर अली साहब कबीर वाला हाफिज़ अब्दुलरक बक्कर मोहम्मद तैयब गुजराम वाला बिल्कीस खानम फैसलाबाद मंजूर अली कराची मोहम्मद अफजाल लाहौर असगर हुसैन राजनपुर मोहम्मद यूसफ हैदराबाद मोहम्मद वसीम सरवर सियालकोट मोहम्मद अकमल फरीदी मुजफ्फरगढ़ तस्नीम अहमद सक्कर हैदर आलम पेशावर आप सबको इंशाल्लाह आपके गिफ्ट जो पहुँचा दिए जाएंगे जी अमा साहब जी मैं इस बारे में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि काजी याज़ रहा आप जिस दौर से ताल्लुक रखते हैं कहते हैं बरगद के नीचे कोई और दरख्त जो है वो उगता उगता नहीं है अगर हम आपके दौर की बात करें तो वो दौर तो अजीम शख्सियात से भरा पड़ा था वही दौर है अच्छा और मुकम्मल वही दौर है उनका जिसमें जो है वो गौसे पाक जैसी शख्सियात के मुकाबले में आकर अगर हम इनको देखें तो जहाँ पे वो आफ्ताब महताब है रूहानियत के और ज़ाहरी मामलों के भी तो इनको भी अल्लाह ताला ने उसी तरह एक पुरनूर और रोशन सूरज बना के भेजा और इतनी मैं सोचता हूँ कि आपके दिल में जो इश्के मुतफ़ा सुल् हर जगह पे नज़र आता है तो उसके इसबाब में अगर हम गौर करें

तो हम ये देखते हैं कि इतना इश्क जो है वो तो आपको अपने खून में शामिल मिला है तो इसीलिए आपका कोई फैसला देख लें आपका कोई बयान देख लें आपका कोई मुनाजरा देख लें और ऐसा मुनाजरा आपका कोई भी नहीं मिलता जो हुजूर हजुर के मुकाम के अपोजिट नजर आए जब भी आपने किसी से बात की है मुकामी मुस्तफ़ा को मद्देनजर रख के उसकी की बात हो जाएगी किन हालात में आपकी जो शहादत है जी आपकी जो शहादत है उसके लिए जो मुबाहिदीन का नाम इस्तेमाल किया गया गलत इस्तेमाल किया गया उसमें अगर हम मुशर थे जी ने इसी थे। तरह होता है कि वो लोग असल में उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता ना दूसरों को खत्म करने का क्योंकि मैंने जो स्टडी किया उसमें ये कि एक बंदा ऊपर वो थोड़ी बहुत शुद्ध रखता है और दूसरों को बनाता है बेवकूफ और आप हमारी फौज ने जितने लोग भी पकड़े हैं उनको कलिमा तबा नहीं आता सही बात लेकिन उनके जहन में बिठा दिया जाता है कि बस तुम मेरे पीछे चलो तुम पक्के मुसलमान बाकी सब आजबुल कतल और फिर ये देखें ये जितने लोग कर रहे हैं अगर हम उनकी जिंदगी पे गौर करें तो यही हमें नजर आ रहा है अब के हालात

एक लिबादा उड़ा के जिस तरह उस वक्त इसका मतलब ये प्लानिंग तो बहुत पुरानी चल रही कि मुसलमानों को खत्म करने के लिए अपने आप को पक्का मुसलमान बनाओ लिहाजा दूसरों को मारना तुम्हारे लिए आसान होगा और तुम्हारे अंदर जोश पैदा हो जाएगा उनको खत्म कर फिर क्या किया इनको तो पकड़ लेकर उस वक्त जब इनको पकड़ा गया तो उस वक्त हालात ये थे कि आपको जो है वो ए, काजिया के ज, जुरम तो कोई भी नहीं था जुरम ना आपके किसी फैसले को उन्होंने किसी उन्होंने अदा को चैलेंज किया है सिर्फ ये जैसे हमे, हम, हमें मासूम मानो। हाँ जी। मासूम है। हम हैं वो अकीदा इफ्तियार करो तो आपने वरमा भी अकीदा तो हम लोगों को देने वाले तुम लोगों से कहा लेने वाले तो फिर आपको पकड़ा गया गिरफ्तार किया गया बांधा गया आपके ऊपर जो है उन्होंने वो तीरों के निशाने भी लगाए आपको उससे पहले जहर भी पिलाया गया ये सब कुछ एक अजीत मौत के लिए है लेकिन गुलामा ने मोहम्मद मौत से नहीं डरते मोहम्मद जान देने से नहीं डरते ये साच साच कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते तो ये हम मुहर्रम शरीफ है तो ये इमाम अली मुकाम का ही तो दिया हुआ सबक था जो आपने वहाँ पर दोहराया है भाबा, तो इसका मतलब है कि अगर वो के नाम एक, पे हुसैनी किर्दार, हुसैनी, हुसैनी किरदार किरदार मुबाह मुबाहिदीन के नाम पे अगर बदबातिन लोग होते हैं तो फिर हुसैनी किरदार अल्लाह ताला फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से सामने ले आता है डॉक्टर नवीद क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले काजी याज के ने हमें ये बताया के जब वतन की कुर्बानी मांगती हो तो में बैठे रहना टाने को है तेरी फकीरी से निकल कर खानकहों से अदा कर अदा कर रसम शबीरी वहाँ नजराना लेना तो बड़ा आसान है मुसल्ला बेचना बाप दादा की कब्रों पर बैठ कर मुजावर बनकर बैठने की जरूरत नहीं अपनी ये जो नफ्स की कब्र है इसको फतह करने की जरूरत है बाँ बाँ बाँ, 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 अपनी जिंदा लाश पर मुजावर बनने की जरूरत है असर हाजिर में सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि अपनी अपने मुर्दा वजूद को जिंदा किया जाए तो काजी याद मालकी रहमतुल्लाह का एक ही नारा था कि जुल्म करने के लिए शेर पड़ा जा रहा है तो नहीं, तो नहीं आई इस शेर ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का जी आज से पहले एक छोटा साजी अयाज माल की ये मुकलद है इमाम मालिक के और उन्हें जवाब दे दिए दुनिया को तकली शेर के नहीं है वाह वाह जो कहते हैं शिरक है ये उनको सोचना चाहिए कि इतने बड़े फ़कीर महदे जिनको सरकार का ज़्यादात करा रहे हैं उनको कहते हैं ये तकली शिरक होती है बहुत शुक्रिया आपका साहब वक्त चूँकि कम होता है लेकिन आज बड़ा मज़ा आया काजी साहब रहमतुल्लाह की बातें हुई सच्ची बात यह मुझे ऐसे लगता है काजी साहब से मुलाकात हो गई है अलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया दादी के हम किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया दुश्मन के अजाइम को ख़ाक करने के लिए खाक में मिलाने के लिए जो शख्स चालीस दिन तक मुसलसल चालीस मरतबा या अजीज़ों का विद करेगा तो अल्लाह ताला तमाम मुश्किल हालात में मदद फरमाएगा और उसका दुश्मन अपने नापाक अजायम में नाकाम हो जाएगा शर शर्तिया अबलोखर ग्यारह ग्यारह मरतबा दुरूद पाक जो भी आता हो वो ज़रूर पढ़ें सयी मर्तदा शेर ख़ुदा फ़ैबर इर्शाद फरमाते माफ करना सबसे ज़्यादा उसे जेब देता है जो सजा देने पर कदर हो नाज कराम कल हमारे मुल्क में यह रोज़ मैं बात कहता हूँ कि हमारी गैर मशहूत मोहब्बत और ला महदूद वफ़ादारी सिर्फ और सिर्फ़ सरकार मदीना अलैहि वसल्लम से है ये ईमान का जौहर है जो लोग इस पर चलते हैं आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उन पे कितने इनामात करता है काजी एयाज अगर ज़िंदा रहते उनको फांसी न दी जाती ना भी तशद्द किया जाता आज वो फौत हो जाते अगर वह बादशाहों की मान लेते आज उनका कोई नाम लेवाना होता नज़रिक नाम इतनी सदियाँ गुजर गईं आज उसके बावजूद भी काज़ी एजाज का नाम कोई इल्मी महफिल कोई मदरसा कोई मकतब ऐसा नहीं जहाँ काज़ी याज का जिक्र पाक ना हो जहाँ शिफा का जिक्र ना हो कल मेरा दिल मेरा कलेजा ठंडा हो गया हमारी बहादुर अफवाज के जो जर्नैल थे सारे उनकी मीटिंग हुई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद डायरेक्टर जनरल डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर जो आईएसपीआर के हैं उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को और इसके हौसलों को बुलंद रखे अल्लाह इनकी हिफाजत और इनके इसके रसूल में इजाफा फरमाए नाजन का उन्होंने बड़ा वाज तौर पर कहा कि नामू से रसालत पर कोई समझौता नहीं हो सकता कान खोल कर सुन लें वो लोग जिन्होंने ज़मीर बेचा हुआ है पाकिस्तान का माल खाते हैं अरब पति बन गए ममून मिली कलर कुट के अरब पति बन गए जब मुल्क से बाहर जाते हैं जाके ऐसी गुफ्तु करते हैं लगता है कि हिंदुस्तान का वज़ीर बोल रहा है पाकिस्तान का वज़ी नहीं बोल रहा ये शर्ब की बात है नामोश रसालत पर कोई समझौता नहीं और मैं उनको वार्न करता हूँ जो उलमा और मशाख बैठे हुए थे असम्बली में जिन्होंने पहले वोट दिया बेशर्म लोगों ने और बाद में फिर आके अपना शहदा में नाम लिखवाना शुरू कर दिया कहा जी कि हमने ये फलाँ किया है उनको ख्याल करना चाहिए ज़िंदगी बहुत कम है साढ़े तीन फुट नीचे जाएंगे सरकार मदीना अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहते थे इनकी ख़त्म नवोद का मसला आया था तो उस वक्त तुमने चुप साध ली थी तुम तो हुक्मरानों को खुश करते रहो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करो नाजिक राम अब मुझे बात बहुत वाजे हो समझ आई जो लोग फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज को गालियाँ देते हैं असल उनको तकलीफ़ ये थी कि ये फ़ौज जो है ये तो कहती है नामूसरे साल पर समझौता ही नहीं कर सकते इनको वो लोग चाहिए जो अपना ज़मीर और ईमान बेचते हैं नबी करीम सल्ला वसम की नामो की हिफाजत जब तक सरजमी पाक पर होती रहेगी उस वक्त तक ये मुल्क कायम रहेगा ये इस मुल्क की हिफाजत की गारंटी नमूस रसाल की हिफाजत से वाबस्त है चूँकि ये सरजमी पाक नबी करीम सलीम के नालान पाक के तश्दुक हासिल हुई थी इस पर हम कभी कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हमारे माल जान औलाद सब कुछ हजूर सलम की हरमत पर कुर्बान है इस पर कोई समझौता और ये मुल्क और इसकी माएँ मैं सलाम करता हूँ उन माओं को मैं अपने इन फौजी हजरात को अपने फ़ौज का जो सरबरा है उसको सिपा सलार को और उनके साथियों को जल कमर जवेद बाजवा और उनके साथियों को सब जर्नैलों को सब फ़ौज के एक एक सिपाही को सलाम करता हूँ बहुत हमारी इज्जत आपकी इज़्ज़त पहले हमारे दिलों में थी अब तो आसमानों तक आपकी इज़्ज़त चली गई है अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जो अल्लाह और उसके रसूल सर से बगावत करता है अल्लाह उसको जलील करता है गली गली आप देख रहे हैं जिन लोगों ने नमोश रसालत से खेलने की कोशिश की है उनकी ज़िल्लत देख रहे हैं आप हर गली कूचा बाजार अखबार किताब वहाँ हर जगह फैली हुई है अल्लाह त आपका हामीना नासर हो अल्लाह करीम आपके जज्बों को सलामत रखे और वो नारा हमने लगाना है जो पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन बैरूनी दुश्मन और पाकिस्तान का खा के जो बाहर जा के बैठे हुए लोग हैं वहाँ पर हरजा सराइयाँ करते हैं पता नहीं अपने मुँह से क्या गलाजत वो लोग निकालते हैं उनके कलेजे में भी जाके ये तीर लगता है नारा लगाइए मेरे साथ मिल जाइए नाजरीन सामीन मेरे मेहमान मिल के ज़ोरदार नारा باكستان کا مطلب لا اله الا الله محمد رسول الله